हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड यू ऑल आर वेलकम इन आशुतोष वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 वोकैबुलरीज लेकर के आया हूँ। ये सारे वोकैबुलरीज आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी काम आते हैं और आपके डेली लाइफ में भी काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कबर्ड, इसको कबर्ड पढ़ते हैं, कप बोर्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कबर्ड पढ़ना है। कबर्ड मीन्स होता है अलमारी, क्या होता है? अलमारी। नेक्स्ट है आपका कम्प्लेक्शन। अच्छा एक सेकेंड, अलमारी, अलमारी का एक और भी होता है, क्या होता है? वार्डरोब, WARDROBE। वार्डरोब का मतलब भी अलमारी होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने जूते कपड़े जो भी रखो उसको हम वार्डरोब कहते हैं। कम्प्लेक्शन, कम्प्लेक्शन मीन्स क्या होता है? रंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप रंग में सांवले हो, यू आर डार्क इन कम्प्लेक्शन। आप रंग में गोरे हो, यू आर फेयर इन कम्प्लेक्शन। ओके, ये है जोल्ट। जोल्ट मीन्स झटका या धक्का। लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाउ डेयर यू टू जोल्ट मी, ठीक है। या फिर गाड़ी वगैरह जब झटका खाती है उसे भी आप जोल्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका डंगहिल। डंग, डंग का मतलब होता है गोबर। एनजी, सिर्फ डंग का मतलब होता है गोबर और हिल का मतलब पता होगा आप लोगों को, छोटा सा पहाड़ को हिल बोलते हैं। सो डंग हिल मतलब गोबर का छोटा सा पहाड़, यानी कि गोबर का ढेर। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लॉट, BLOAT। ब्लॉट मतलब होता है फूलना या सूजना। ओके, लाइक आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपका बॉडी का कोई पार्ट फूल जाता है या सूज जाता है, उसे कहते हैं ब्लॉट। माई हैंड इज ब्लॉटेड, मेरा हाथ सूजा हुआ है। ओके अच्छा, एक होता है सूजन। सूजन का होता है स्वेलिंग, SWELLING। स्वेलिंग मतलब होता है सूजना, सूजन। ओके, हाथ में सूजन है, तो देयर इज स्वेलिंग इन माई हैंड, देयर इज स्वेलिंग इन माई लेग, लाइक दिस। ओके, लास्ट वन स्कम। स्कम मतलब होता है मैल, ठीक है, जब आप नहाते नहीं हो तो आपके बॉडी में मैल जम जाता है, लाइक मी। स्कम मीन्स मैल। और स्कैम, SCAM, स्कैम मतलब होता है घोटाला, लाइक चारा घोटाला, गंगा नदी में जो सफाई करने के लिए पैसा मिला था उसमें घोटाला किया गया। ओके, तो सारे घोटाला को ही कहते हैं स्कैम। ए अगर आ गया तो स्कैम मीन्स घोटाला और यू आ गया तो स्कम मीन्स मैल। नेक्स्ट है आपका सैंक्शन, CTION। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी, लाइक आपको किसी चीज के लिए मंजूरी चाहिए, परमिशन चाहिए, तो आप बोलोगे, लेकिन आपने कोई एप्लीकेशन लिखा तो आप बोलोगे कि मुझे इस एप्लीकेशन को सैंक्शन करवाना है, मतलब इसमें मंजूरी आपको चाहिए, मंजूरी कोई आपको देगा। ओके, तो सैंक्शन मतलब मंजूरी। मिकल मतलब बहुत, मिकल मीन्स बहुत। और मॉर्श मतलब होता है काई या दलदल, क्या होता है? काई या दलदल। काई मतलब क्या होता है? काई का मतलब होता है एक नदी या कुएं वगैरह में आप देखे हो कि ग्रीन कलर का कुछ परत जम जाता है, उसी ग्रीन वाले को काई कहते हैं, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट स्टेयर, स्टेयर को कहते हैं, स्टेयर मीन्स होता है हिलना या हिलाना। अब क्या हिलाना? लाइक आपने, आप कोई सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में आपको बोला जाता है, मम्मी बोलती है कि बेटा सब्जी को हल्का हिलाते रहो वरना वो जल जाएगा, तो उसी हिलाने को हम स्टेयर बोलते हैं। स्टेयर द वेजिटेबल, स्टेयर द वेजिटेबल। ओके, FOMENT, फॉमेंट, प्रोवोक, इनफ्लेम या फिर इंड्यूस, इन सब का मतलब होता है भड़काना। फॉमेंट, डोंट फॉमेंट मी, मुझे भड़काओ मत। डोंट प्रोवोक मी, डोंट इनफ्लेम मी या फिर डोंट इंड्यूस मी, सबका मतलब भड़काना होता है। के बारे में कुछ और जानते हैं, लाइक आग को भड़काना हो, लाइक आग में पेट्रोल वगैरह डालकर भड़काना हो तो उसमें हम इन फ्लेम का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे प्रोवोक या फॉर्मेंट का यूज नहीं कीजिएगा। ओके, लास्ट वन लैसीट्यूड। लैसीट्यूड मतलब होता है थकावट। आई एम फीलिंग लैसीट्यूड, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, लैसीट्यूड मीन्स थकावट। मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से कुछ वोकैबुलरी, सो फटाफट याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाउज, LOUSE, लाउज मतलब क्या होता है? ढील या जू।
ढील, लाउज मतलब होता है या जू। क्लियर, लाउज मीन्स ढील या जू, जो आपके सर में हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका लीच, LEECH, लीच मतलब होता है जोंक, वो अर्थवॉर्म जो ब्लैक कलर का होता है और खून पी करके रेड हो जाता है, लाइक जब भैंस लोग नहाती है नदी में तो उनके बॉडी पे बहुत सारे जोंक लटक जाते हैं। ठीक है, ये इंसानों के बॉडी पे भी लटक जाते हैं और सारा खून पी जाते हैं, सो बच के रहिएगा इनसे। लीच मतलब होता है जोंक, और आप इसका एक ट्रिक लगा सकते हो कि जो जो पी करके हो जाते हैं लीची के जैसे लाल, उन्हें कहते हैं लीच। ओके, हिपोक्रिट नेक्स्ट है आपका, हिपोक्रिट या फिर इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, ढोंगी, ढोंगी या पाखंडी, लाइक बहुत सारे बाबा होते हैं जो ढोंगी होते हैं, ओरिजिनल बाबा नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ही इज अ हिपोक्रिट या फिर ही इज एन इम्पोस्टर। ओके, आप ढोंगी हो, आप हिपोक्रिट हो या फिर आप इम्पोस्टर हो, जो है कुछ और कुछ और होने का दिखावा कर रहा है, उसे हम हिपोक्रिट या फिर इम्पोस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूशर, यूशर मतलब होता है सूदखोर, मतलब ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये किसी की विशेषता बता रहा है, यू आर अ यूशर, यूशर मीन्स सूदखोर। ओके, और ये हो गया यूश्री, यूश्री मीन्स नाउन है ये, सूदखोरी, आई डोंट लाइक यूश्री, मुझे सूदखोरी पसंद नहीं है। क्लियर हो रहा है ना, यूश्री मीन सूदखोर और यूश्री मीन सूदखोरी। और आपका है जेनिटर, इसका मतलब होता है चौकीदार, आपने सुना होगा ये मुहिम चली थी बीच में कि मैं भी चौकीदार, मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार, आई एम ऑल्सो अ जॉनिटर, आई मीन जेनिटर, सॉरी, क्या होता है इसका मतलब, चौकीदार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लैटरी, क्या है फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी होता है, ये आपका नाउन हो गया कि मुझे चापलूसी पसंद नहीं है, लाइक फ्लैटरी, और ये फ्लैटर या कैजोल ये आपका वर्ब हो गया, मीन्स चापलूसी करना। ठीक है, यू ऑलवेज फ्लैटर मी, तुम हमेशा मेरी चापलूसी करते हो, या फिर यू ऑलवेज कैजोल मी, फ्लैटर या कैजॉल मीन्स चापलूसी करना, और फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। सरकमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति, ठीक है, मैं खराब परिस्थिति से इन दिनों गुजर रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड सरकमस्टांसेस दिस डेज, सरकमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, मीन्स रिजल्ट, इलेक्शन का परिणाम क्या हुआ, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्शन। ओके, कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम। पैट्रोन, पैट्रोन मीन्स क्या होता है, संरक्षक, पैट्रोन या कस्टडियन, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं या पुलिस कहती है कि ये मेरी कस्टडी में है, कस्टडी मतलब अब उसको कोई और हाथ नहीं लगा सकता, वो उनकी कस्टडी में, वो अब उनकी रक्षा करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, सो कस्टडियन या पैट्रोन मीन्स संरक्षक, किसी की रक्षा करने वाला। लास्ट है आपका हे मीन्स सूखी घास, हे मीन्स सूखी घास, लाइक उसको हम लोग चारा बोल सकते हैं, जो गाय या भैंस खाती है चारा, उसे हम लोग हे बोलते हैं, हे मीन्स सूखी घास। लास्ट है आपका, लास्ट पेज है हे स्टैक, अभी अभी मैंने बताया था आपको हे के बारे में कि HAY हे मीन्स होता है सूखी घास, और स्टैक मीन्स सूखी घास का ढेर, हे स्टैक, हे मो या फिर हे रिक, तीनों का मतलब होता है सूखी घास का ढेर। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेवल या फिर पेबल, पेबल या ग्रेवल मीन्स होता है कंकड़, जो पैरों में गड़ जाती है, उस कंकड़ को हम लोग ग्रेवल या पेबल बोलते हैं। बैलेस्ट मीन्स गिट्टी होती है, ठीक है, बैलेस्ट मीन्स गिट्टी, जो दिखता है लाइक लिट्टी, मजाक कर रहा हूँ, गिट्टी मतलब पता होगा आप लोगों को गिट्टी का, बैलेस्ट। अच्छा, बालू का क्या होता है बताइए, तो बालू का होता है सैंड, SAND, सैंड मीन्स बालू। ओके, अब बताइए सॉइल का क्या होता है, सॉइल मीन्स क्या होता है, सॉइल मीन्स मिट्टी, SOIL, सॉइल मीन्स मिट्टी। एंड ईंट का क्या होता है, ईंटा का ब्रिक, BRICK, ब्रिक मीन्स ईंट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फोम, FOAM, फोम या स्प्यू मीन्स झाग। जब आप साबुन लगाते हो तो उससे जो झाग निकलता है या फिर मुंह वगैरह से कभी झाग निकल जाता है, उसी झाग को हम फोम या फिर स्प्यूम कहते हैं। ओके। अरोमा या फिर फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू। अरोमा या फिर फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू। वाह, वाट अ अरोमा या फिर वाट अ फ्रेगरेंस, क्या खुशबू है। ठीक है, इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। द फ्रेगरेंस ऑफ दिस फूड इज़ वेरी नाइस। इसका जस्ट उल्टा है स्टिंक और स्टेंच मीन्स बदबू। OMG, वाट अ स्टिंक। ओके, ठीक है, स्टिंक या फिर स्टेंच मीन्स बदबू, मीन्स कितनी ख़राब बदबू है। हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस बोलते हैं हम, तो उस बदबू को हम बोलते हैं स्टिंक या स्टेंच मीन्स बदबू। सो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड कमेंट आप कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ फीडबैक देना हो तो दे सकते हो, या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप बोल सकते हो। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।